नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पहले पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सूरदास के पद पाठ का अंतिम पद पढ़ रहे हैं हम, और दसवीं कक्षा की क्षितिज पाठ्य पुस्तक से ये पाठ जिसका वाचन कर रहा हूँ। पद का शीर्षक है हरिहय राजनीति पढ़ियाए। अंतिम पद है ये सूरदास के पदों में। चार पद आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। इस पद में भी गोपियां जो है उद्धव को कृष्ण के द्वारा जो योग मार्ग का संदेश दिया गया है उस पर ही कटाक्ष करती नजर आ रही है। उद्धव जब कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने आपको मथुरा से ये संदेश भेजा है कि आप योग मार्ग को अपना लें, कृष्ण को भूल जाएं, तो गोपियाँ बिल्कुल ग्रामीण हैं, वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है वो, लेकिन उनकी वाक चातुर्यता, उनकी जो बात कहने का तरीका जो है ना, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से सूरदास यहाँ पे प्रयोग करते हैं और उद्धव को व्यंग्य के साथ में ये बात समझा देती बहुत सरल तरीके से कि उनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। तो क्या कहती है इस पद में गोपियाँ, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ देखिए मधुकर शब्द आया है। मैंने आपको पहले बताया था मधुकर का मतलब भी भ्रमर ही होता है, भंवरा, ठीक है। षटपद इसका एक पर्यायवाची शब्द है। तो गोपियां कहती कि मधुकर हमने आपकी बात सुनी समझी और सारे समाचार हमें मिले कि कृष्ण कैसे हैं और वो क्या कर रहे हैं और हमारे प्रति उनके मन में क्या विचार है। इन सब को जान करके हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे हरि अर्थात कृष्ण राजनीतिज्ञ बन गए हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक बड़े व्यक्ति बन गए हैं। जब कृष्ण यहाँ थे तो वो सिर्फ प्रेम भरी बातें किया करते थे, लेकिन अब वो राजनीति के बड़े धुरंधर बन गए हैं और अब वो बड़ी बड़ी राजनीतिज्ञ बातें करते हैं, ऐसा हमें तुम्हारे इन समाचारों से, तुम्हारी इन बातों से ज्ञात होता है। फिर वो कहती है एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपी कहती है कि एक तो पहले से चतुर थे, चालाक थे, होते मतलब थे, एक अति चतुर होते पहले ही वो लोग कृष्ण जो है बड़े चालाक मालूम होते थे, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गुरु ग्रंथ का मतलब होता है बड़े ग्रंथ, महान ग्रंथ। और देखिए गुरु शब्द आप एक तो टीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और एक गुरु शब्द का अर्थ होता है बड़ा, जैसा सूरदास ने यहां इस्तेमाल किया है। तो गोपियां कहती है कि अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीतिज्ञ हो गए हैं, वो बड़े आदमी बन गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो कृष्ण को भूल जाए गोपिकाएं और उद्धव के द्वारा जो ज्ञान मार्ग दिया जा रहा है उसको वो अपना ले। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। पठाए का अर्थ होता है भेजना, भेजना। बड़ी बुद्धि तो उनकी इस बात से हमें दिखाई देती है कि उन्होंने हम जैसी गोपिकाओं को, जो कि इतना जानती भी नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, बिल्कुल सरल साधारण और ग्रामीण औरतें हैं, उनको उन्होंने योग का संदेश दिया है। योग संदेश का सीधा सा तात्पर्य हो गया कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान ही आपको क्या करेगा, मोक्ष दिलवाएगा, ऐसा योग मार्ग मानता है। तो गोपिकाएं कहती हम तो वैसे भी भोली भाली हैं, हम तो वैसे भी ग्रामीण औरतें हैं, हम तो साधारण से साधारण जो मोक्ष का मार्ग है प्रेम मार्ग उसी को समझते हैं, क्योंकि हमें तो कृष्ण ने वो प्रेम मार्ग ही तो सिखाया है और ये कहा था कि इस प्रेम मार्ग से ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम्हें इस जीवन का, तुम्हारे इस जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब तो हमें ऐसे लगता है कि उनकी बुद्धि जो है, उनका उनकी मति जो है वो बड़ी हो गई है और इसलिए उन्होंने हमें योग संदेश जैसी बातें भेजी है। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए।
अब वो इस पंक्ति के माध्यम से गोपिकाएं उद्धव पर व्यंग्य कर रही है, उद्धव पर कटाक्ष कर रही है, हे उद्धव, हे उद्धव, भले मतलब अच्छे। आगे के लोग का मतलब हो गया पुरानी पीढ़ी के लोग, हे उद्धव, पुरानी पीढ़ी के लोग वास्तव में भले लोग थे और तुम भी हमें वैसे ही मालूम होते हो, तुम भी भले आदमी मालूम होते हो जो कृष्ण के इस संदेश को लेकर के दौड़ते भागते हमारे तक पहुंचे हो। पर हित का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के हित में, किसी दूसरे व्यक्ति के भले के लिए, पर हित, हित का मतलब भला, अच्छा। तुम हमारे भले के लिए दौड़ते भागते, डोलना मतलब होता है फिरना या घूमना, डोलना मतलब फिरना घूमना, धाये मतलब, धाये एक संस्कृत का शब्द है दौड़ना, जिसका अर्थ होता है तुम दौड़ते भागते कृष्ण की इस बात को भले व्यक्ति की तरह हमारे तक लेकर आए हो, हम तक पहुंचाने के लिए आए हो, इसलिए तुम भले आदमी हो। अब वो उद्धव को भला व्यक्ति कह करके गोपिकाएं एक तरीके से व्यंग्य कर रही है कि तुम अपनी नजर में भले आदमी हो, अपनी नजर में बड़े आदमी हो, लेकिन हमारे लिए कोई महत्व के व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि सीधी सी बात है हम तो कृष्ण प्रेम मार्गी हैं और उस मार्ग को हम कभी छोड़ नहीं सकती। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहुते चुराए, और ये बात पुनः वो कृष्ण के लिए कहती है कि कृष्ण को जाकर के कहना कि जाते समय, चलत जुहुते चुराए, चलत मतलब जाते समय, जाते समय जू मतलब जो, होते चुराए, क्या चुराए, जाते समय उन्होंने जो हमारे हृदय चुरा लिए थे, हमारे दिल को चोरी करके ले गए कृष्ण अपने साथ, वो मन, देखिए यहां एक शब्द आया ना मन, वो मन हमें पुनः चाहिए, फेर का मतलब है पुनः, वापिस से चाहिए। अगर कृष्ण लौटा सकते हैं तो ये उनका बड़प्पन है। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। कृष्ण जब यहां से गए थे तो कृष्ण ने गोपियों से सीधी सी बातें यही कहा था कि वो एक बहुत ही आततायी राजा, बहुत ही बुरे राजा कंस का सफाया करके, कंस की अनीति को छुड़ा करके वो वापिस आ जाएंगे। अनीति का मतलब होता है बुरा मार्ग, अनीति का मतलब बुरा मार्ग। तो कृष्ण ने गोपिकाओं से जाते समय ये कहा था कि वो कंस की अनीति को छुड़ा करके वापिस आ जाएंगे उनके पास, लेकिन वो अपने साथ, गोपिका कह रही हमारा हृदय भी तो ले गए थे, वो हृदय हमें वापिस लौटा दे किसी भी प्रकार से। और रही बात कृष्ण की, तो जो खुद अनीति छुड़ाने के लिए गए हैं वो खुद अनीति क्यों कर रहे हैं? गोपिकाओं के साथ कृष्ण क्या अनीति कर रहे हैं? उनके प्रेम को ठुकरा कर, क्या अनीति की? कृष्ण ने गोपिकाओं के प्रेम को ठुकरा दिया है। और इसी को गोपिका मानती है कि ये सबसे बड़ी अनीति है, ये सबसे बड़ा बुरा काम किया है कृष्ण ने। हम तो उनसे इतना प्रेम करते हैं और वो बदले में हमें योग मार्ग की ये बातें सिखा रहे हैं, योग मार्ग की बातें और प्रेम मार्ग को छोड़ करके एक अलग ही दुनिया में जाने की बात कर रहे हैं, ये भी तो उनकी सबसे बड़ी अनीति है हमारे प्रति। तो जो खुद अनीति छुड़ाने गए हैं वो खुद कृष्ण ही अब हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हैं। गोपिकाएं इस अंतिम पंक्ति में कृष्ण को राजधर्म सिखाती है, और सूरदास जैसे भक्त के लिए राजधर्म यही है जो वो इस पंक्ति में कहते हैं। क्या कहते हैं सूरदास के माध्यम से? गोपिकाएं कहती है कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही है, एक राजा का कर्तव्य यही होता है कि उसकी प्रजा, प्रजा मतलब उसके लोग, किसी राज्य में रहने वाले लोग, कि उसकी प्रजा कभी सताई ना जाए। सताने का मतलब होता है कष्ट देना। राजा को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी प्रजा सुखी रहे, संपन्न रहे,
अच्छी तरीके से जीवन यापन करें। लेकिन कृष्ण क्या राजधर्म निभा रहे हैं? कृष्ण तो मथुरा जाकर के बैठ गए हैं, हमें भूल गए हैं। और हमारे लिए तो सबसे अनीतिकर बात तो ये लगी कि हमें उन्होंने योग मार्ग सीखने का फरमान सुना दिया है। क्या ये उनका राजधर्म है? क्या ये प्रजा के हित की बात है? गोपिकाएं स्वयं को कृष्ण की प्रजा मानती हैं और कृष्ण को अपना राजा मानती हैं, इसलिए ये बात राजधर्म की बात वो इस आखिरी पंक्ति में करती है। तो राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताएं, कि राजधर्म तो यही कहता है कि एक राजा को अपनी प्रजा की चिंता करनी चाहिए, प्रजा को कष्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन कृष्ण यहाँ पर ठीक उल्टा कर रहे हैं, मतलब राजधर्म को नहीं निभा रहे हैं, वो हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, हमारे प्रेम को उन्होंने ठुकरा दिया है और खुद गलत रास्ते पर चले गए हैं, जो लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए गए थे। इस तरह से इस पद में गोपिकाएं, जो कि बहुत साधारण सी ग्रामीण स्त्रियां हैं, पढ़ी लिखी नहीं है वो, लेकिन अपनी वाक चातुर्य से, अपने बोलने की कला से, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना उनका, बातचीत करने का तरीका जो है ना उनका, वो बहुत प्रभावी तरीके से सूरदास ने इस पद में रेखांकित किया है। तो उम्मीद करता हूं ये पद आपको पूरा समझ में आया होगा। अब आज के इस पद की समाप्ति के बाद गृह कार्य में आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन तो सीधा सा हर बार की तरह 60 से 80 शब्दों में लिखना है, जिसका आंसर आपको वो ये कि गोपियों ने कृष्ण को क्या क्या कहकर उलाहने दिए, उसे अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हमेशा की तरह कुछ शब्दों के अर्थ आपको बताने हैं। पहला मधुकर शब्द, दूसरा गुरु ग्रंथ, तीसरा पठाए, चौथा धाय और पांचवा शब्द है अनीति। ये पांच पदों के अर्थ आपको लिखने हैं, साथ में ये पहला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है अपनी नोटबुक में। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा ये जो पहला पाठ था सूरदास के पद वो समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो में हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।